हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी आशिमा सक्सेना। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। सो आज है रामनवमी और मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बताया ही था कि शोभा यात्रा है हमारे यहाँ। तो अभी हम लेट हो रहे हैं, फटाफट से अम्बे माता जी का ओम अम्बे अम्बे के अम्बालिके नमः कृष्ण सरस्वती काम का अम्बे नवासिने मां अम्बे गाय महावाहे अम्बे स्थापयामि पूजयामि अद संकल्पः। गाइस, आज ना बहुत ज्यादा वाली गर्मी है एंड बहुत गर्मी है और मजा आ रही है। एंड मैं आप लोगों को हैप्पी रामनवमी बोलना भूल गई थी, सो हैप्पी रामनवमी। मोर होगी क्या कभी यहाँ पूछती है कौन है ये। Thank you.
अभी शोभा यात्रा जो है हाफ रहती थी मतलब हमारी रोड की, पर हम लोग घर आ गए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, और अभी घर पे आए तो अगर अभी नीचे जाऊंगी मैं फिर आपको भी खाऊंगी। और तो गाइस हम लोग आ चुके, शोभा यात्रा कंप्लीट हो गई। दीदी देखो सिर्फ घोड़े पे बैठा था और घोड़े बैठ के सो रहा है। बोल के दिखाओ पापा की आवाज भी चली गई है और पैर तो दर्द हो ही रहा है। ठीक हो जाएगा, अच्छा लगा ना पर आज? और बोलो कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा, बोलो कमेंट में बताना आप लोगों को शोभा यात्रा कैसी लगी। मेहनत हमने बहुत करी है पूरी रात जगे, पर जय श्री राम बहुत अच्छी लगी क्योंकि पापा ने ही ऑर्गेनाइज करी है और भी लोगों ने साथ में करी। सो गाइस अभी बज रहे हैं 6, आज हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि सभी सो गए। कौन सो गाइस मैं ऊपर आ चुकी हूँ और मेरा फेस बहुत ज़्यादा सड़ चुका है, कोई बात नहीं। तो मैंने रील नहीं बनाई है, हो गया टाइम। आखिरी दिन बहुत इनएक्टिव हो इंस्टा पे और ना मेरे फॉलोअर्स माइनस में जा रहे हैं, और ऐसा होता है जब फॉलोअर्स माइनस में जाते हैं तो इंटरेस्ट यूँ होता है नहीं बनाना, पर हमें जल्दी से एक्टिव होना और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनानी। तो अभी रील बनाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। आउटफिट देखो ही। हाय गाइस, देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल जींस टॉप है पर क्यूटी है। और ये लड़का देखो कैसे देख रहे हैं कि कैसे झूठ बोलती है। वीडियो बनाते हैं चलो। तो गाइस अब मेरी रील बन चुकी है और मेरी दीदी की भी रील बन गई है। अगर आपको जानना हो कि इसकी रील बनाई है उसका क्या प्रूफ है तो ये प्रूफ होते हैं। और इसका हाथ जल चुका है दिखा, इसलिए इसने मेरा हाथ यूज़ किया। और ये जला कैसे था, क्योंकि जो रसोई में कम आते ना काम नहीं करते। नहीं अच्छा, उस दिन ना कोई हमें गाली दे रहा था हम दोनों को, हमने जैसे किसी की कॉल कट करी थी। मेरी आंख में आपको ये दिख रहा है, आपको लग रहा होगा पिंपल है, ये भी ना उसी से हुआ है तेल की वजह से। इसका तो हाथ ही, और जिसने हमें गाली दी थी वो ये था। इसका फोन है सच में हुआ ना, झूठ नहीं कह रहे। इससे फोन पे बहस हुई, फोन कट, इसने एक पूरी डाल। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ नीचे और आज घर में सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि मम्मी बताएंगी। बेटा 3:30 बजे उठे हैं। 3:30 बजे उठना नहीं बोलते, पहली चीज उसको बोलते मैं सोई नहीं हूँ। मैं सोई नहीं हूँ मम्मी, 3:30 बजे और पापा 5 बजे। थकान बहुत हो रही है और आज क्योंकि वही निकली थी ना रामनवमी, बस सारे थके हुए हैं, थकान दिख रही होगी फेस पे। ये तो जा नहीं पाई थी गुड्डू की वजह से, ये गुड्डू के पास रुकी थी, गुड्डू की प्यारी दीदी। इधर देखो, और बोल कोई और रहा था रुकने को, मैं बोल रही थी रुकने को, पर फिर मैंने इसको पूछा था कि चल ले, तो ये कह रही थी नहीं आज मैं गुड्डू के पास रुकूंगी। हाँ। क्योंकि गुड्डू को लेके घर में सबके मन में ममता है बहुत। अच्छा लगा, पर आज बहुत अच्छा लगा। और अभी पापा को आन देते हैं हम लोग, फिर हम मिलके घर वाली वार्तालाप करेंगे और आपको उसमें इंक्लूड करेंगे, आप भी घर के लोग। हाँ पापा की आवाज़ मैंने सुबह सुनाई थी आप लोगों को, तो तभी अभी भी सुनाई, अभी दोबारा सुनाएंगे तो आते हैं फिर हम बात करते हैं। ओके थकान सही बात, तो लग रहा कि कुछ खाए ना और सो जाए जल्दी से। कोई नहीं, सोते हैं आज। आप लोग ब्लॉग एंड करो, गाइस मिलते हैं फिर। हाँ। थकान उतारने के बाद नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में बोल दो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लव यू ऑल, बाय बाय, लव यू, बाय बाय, बाय।